सो हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पबजी मोबाइल, क्योंकि हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है तो पबजी काम आएगा। तो यहाँ पर मैं अपना शॉटगन ओनली चैलेंज करूँगा ताकि मुझे व्यूज मिले। तो यार आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और फिलहाल मैं यहाँ पे जंक यार्ड से आंदोलन कर रहा था, तो मैंने देखा कि दो लोग पहले ही कर चुके हैं। तो अब मैं अपनी लैंडिंग और जल्दी करने लगा, लेकिन थोड़ा लैग की वजह से मैं थोड़ा पीछे उतरा। और फिर मुझे शॉट गन ही चाहिए थी, तो मैं इस घर में गया, क्योंकि उस घर में तो बंदे होंगे, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है। और मुझे यहाँ पे एक एम डली मिली, और यहाँ पे ये पेन कलर सेम कलर से मैंने उजी उठा ली गलती से, लेकिन मैं उजी फिर फेंकने लगा नए, क्योंकि मुझे शॉट गन का एमो शॉट गन चाहिए, या फिर शॉट गन का एमो, या फिर मुझे ऐसा ही गंटू के चलेगी। तो मैं शॉट गन ढूंढने लगा सबकी जगह। अब मुझे थॉम्सन भी मिली यहाँ पे, और बैंडेजेस सब मिले, तो मैंने सबको हटा दिया। तो देखो आगे अब क्या होता है। अब मुझे लगा कि अब बहुत सारी मुझे फायरिंग की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, मैंने सोचा कि पेन से लड़ूंगा जाके, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं आगे जाके अभी मरूंगा, देखना बहुत गजब तरीके से मरा हूँ, देखना ज़रूर। तो मैं यहाँ पे आप बंदे को ढूंढने लगा, और मुझे सभी सामने से एक बंदा दिखा, वो उसी वाले घर में जा रहा था जहाँ पर मैं रह रहा था। तो अब मैं जाने लगा, थोड़ा बीच में लैग हुआ, और मैं समझ गया कि वो उसको अभी गन नहीं मिली है, क्योंकि एक एम पड़ी थी तभी उसने एक एम उठा ली। अब तक मैंने उसको दो पैन हिट किए, फिर वो दरवाजे के पीछे, मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ, तो मैं यहाँ से भागने लगा तब। और फिर देखना आगे, अब मैं देखने लगा कि पीछे से उसको वो आ नहीं रहा, और तब तक मुझे लगा कि छत से मुझे एक पर कोई हिट कर रहा है। तो मुझ पर दो हिट भी हुए यहाँ पर, ये वॉच टावर के इधर साइड, और मुझ पर इतनी तेज गोली लगी, और मैं यहाँ पर मर गया। सेट लाइफ अगेन हैपन, लेकिन फिर मैंने तुरंत दूसरा मैच स्टार्ट किया, और मैं खेलने लगा। और फिर मैं इसमें भी शॉट गन ओनली चैलेंज करूँगा, अब देखते हैं कि मुझे लास्ट में चिकन डाजा मिलता कि नहीं। तो मैं यहाँ पे फैक्ट्री से आगे जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं विलेज के पास नहीं उतरूँगा, तो मैं आस पास देखने लगा कि कोई उतरा है कि नहीं मेरे साथ साथ, तो मैं यही सब चेक करने लगा। और फिर मैं जैसे ही उतरा, मैंने हाल सीधे मैं घर में गया, और मैं चेक करने लगा कि कहीं से मुझे यहाँ पे मुझे M416 मिली, लेकिन मैंने उठा भी ली गलती से, फिर मैंने वह फेंकता हूँ, क्योंकि मैं शॉटगन ओनली चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने होलोग्राफिक स्कोप इस वजह से रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे SI-120P मिली तो मैं उसमें यूज़ कर सकता हूँ ईजिली। इसमें इस वजह से मैंने दो स्मोक्स उठाए, एक ग्रेनेड उठाया, चोक SG उठा ली, क्योंकि यही जो थी होती है कि वो उधर पर लगती है। और मुझे यहाँ से उजी भी मिली, तो मैंने उधर से निकाल के रखी। और इधर पे मुझे फाइनली स्कार एल और ये सब मिलने लगी, तो मैं ऑटो पिकअप को बंद कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे एक शॉटगन मिली, और फिर मैंने ये सब हटा दिया अपने फालतू सामान जो फालतू में कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे ये मैं होलोग्राफिक स्कोप रख के लगा, क्योंकि SI-120P के लिए ये काम आता है नॉर्मल। अब यहाँ पे आने वाले घर पे, इसी वाले घर पे मुझे एक और शॉटगन मिलेगी, और यहाँ पे मैंने मोलोटोव और ग्रेनेड सब उठा लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही काम होता है। अगर आपके पास प्रॉपर वेपन नहीं है तो आप ये मोलोटोव और इससे भी डिफेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक हेलमेट मिला, ये कुछ बैंडेज, शॉटगन के एमओ। अब तो मुझको शॉटगन के एमओ की बाहर होने लगी कुछ ऐसे ही। तो मैं ऊपर हमेशा केयरफुल होकर ऊपर जाता हूँ, स्मोक से उठाया मैंने थोड़ा, तो फिर मैंने यहाँ से सीधा जंप मारा, और मैं इस वाले घर में गया। और फिर यहाँ पे मेरे साथ एक लैग, और फिर यहाँ पे मुझे लैग मिला हेलमेट में, मैंने ये उठाया, और मैंने यहाँ पे चोक ऐसी पड़ी थी वो उठा ली।
imagine you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, you're not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door. I know you poor ass haters and your heads in the clouds. Talking out loud, talking out. You better shut your goddamn mouth. One, two, one, speak out. It's about to end, now we're gonna make it. This was just when it वेलकम बैक वन भी नहीं दिया, लेकिन मैं शॉर्ट ऑफ तो होती हुई बन तो मैं वो रखा क्योंकि मूवी शॉर्ट बनी है, तो मुझे लगा अब यहाँ से मैं शॉर्ट ऑफ उठाऊंगा, फिर मुझे याद आया कि शॉर्ट ऑफ भी तो ये शॉर्ट बनी, तो मैं उसकी वजह से शॉर्ट बन ये लूँगा एज अ बैकअप वेपन। और फिर मुझे यहाँ पर पूरा एक्स मिला कि आई डोंट थिंक सो कि मैं उसको फेंकना चाहूँगा, तो फिर मैंने यहाँ पे रख लिया ये। अब फिर मैं यहाँ पर वाले घर में जाने लगा क्योंकि मुझे प्रॉपर लूट चाहिए थी। अगर आपके पास प्रॉपर लूट नहीं है तो आप इनमीज को नहीं मार सकते, तो मैं प्रॉपर लूट की तलाश में यहाँ पर आया। और फिर मुझे यहाँ पे एक लैपी मिला और ये प्रिंटर मिला, और फिर मुझे यहाँ पे M416 मिली। और फिर मैं यहाँ पे देखने लगा कि यहाँ पे कोई SI-12 की है ये नहीं थी, और फिर मैंने देखा कि बगी खड़ी है, तो मैं आसपास पहले चेक किए कोई है तो नहीं। और फिर मैं अभी जब मुझे लगा कि नहीं है यहाँ पे तो मैं जंप हो गया। जब मारने के बाद मैं सीधा बगी की तरफ जाने लगा क्योंकि मैं जोन में तो था ही, लेकिन मुझे बगी ले ली क्योंकि मुझे काम आ वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। अब मुझे यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने एक ओके इस वाले पेज के साथ जाके फूंक दी गाड़ी क्योंकि उसे कवर चाहिए था। ऐसे में मुझे ये पेड़ और बगी कवर दी, लेकिन मैं अभी भी ओपन में था तो उस वजह से मैंने घर के अंदर ज़्यादा प्रेफर किया। तभी मुझे सामने से यहाँ पे बहुत सारी बंदूकों की फायर होने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इस वजह से मैं प्रोन हो गया और मैं थोड़ा आगे तक चला। रेंग से देखते मैं जब स्नेक बन के मेरा चल गया, तो मैंने जब कंफर्म कर लिया कि मेरे पास से फायरिंग नहीं हो रही तो मैं उठने की सोचा। और मुझे लेकिन अभी भी मैप पे दिख रहा था कि फायरिंग हो रही है, इधर कहीं एनिमीज है, तो मैं यहाँ पे क्राउच होके जाने लगा। और तभी मेरे सामने से बंदर देखा और फिर मुझे वो देख गया बंदर खिड़की पे, और फिर से मेरी यहाँ पे एक गेम लैग कर गया। फिर मैंने उठा और ये मारा उसको, उसको एक हिट लगा भी फिर वो अंदर चला गया। और अभी यहाँ पे देखना पता नहीं कहाँ से एक बंदा और आएगा, फिर वो इस बंदे का सामान लूटेगा जो मर आए, तो उसको तो भाई करते ही। वो आया भी ऐसे कि किसी को दिखाई पड़ा, वो मरा भी ऐसे किसी को पता नहीं चला वो कहाँ गया बंदा। यहाँ पे मुझे सामने से एक कार जलाती हुई दिखी, लेकिन मैंने उसको खुली उन्होंने मारा क्योंकि मेरे सामने बंदा था, अगर मैं उसको मारने लगता तो ये पीछे वाला बंदा मुझे ठोक देता। और यहाँ पे ये दोनों बंदे फाइट कर रहे हैं, अब देखना मैं इसको मारूंगा क्योंकि अब इसने मुझे देख लिया, मैंने भी इसे देख लिया, मैंने इसको दो हिट्स मारे और ये मर गया। और फिर मेरा पूरा ध्यान इसके ऊपर है, अब देखना आपको। अब ये वाला बंदा तो मर ही है और मेरे साथ यहाँ पे लैग भी हो गया। वो बंदा जो मरा था उसका जो लूट होती है वो पता नहीं कहाँ चली गई, इसके पास तो M416 का खजाना था तो भी नहीं मार पाया ये। मैं इनकी भी लूट लेने गया, यहाँ पे मुझे बुलेट लूट मिल गई, शॉर्ट गन के एमओ मिल गए। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा हील करूँगा, मैं यहाँ पे हील होने लगा। और अभी देखना मुझे लगेगा कि ऊपर से कोई मेरी तरफ फायरिंग कर रहा है, तो मैंने वहाँ पे पहले एक गन रीलोड मारी, मैंने यहाँ पे एक नेट डाल दिया, लेकिन वो नेट इतना वो था कि वो जीनों में ही फट गया।
अब वो जिग्नो में फट गया, अब जो भी था वो बैलकनी के उस साइड चला गया खुल के। तो मैं इस साइड आया, मैंने कुछ एमोज उठाए। अब मैं उस बंदे की तलाश करने लगा। कभी कभी तो ऐसा होता कि आप पूरा घर छान मानते हैं लेकिन आपको मिलता जो बंदा एक ऐसी जगह पे छुपा होता है फिर वो आपको सामने ही आके मार देता है और फिर आपको देखता है। बहुत अफसोस होता है कि आप गेम हार गए। मैंने यहाँ पे दो क्लोज किया। फिर मैं यहाँ पे नॉर्मली बंदों की तलाश करने लगा। मैंने सोचा कि मैं इस यहाँ पर कैंप करूँगा क्योंकि मैं जोन में भी हूँ और ये अच्छी जगह भी है। और इसी जगह के चक्कर में अभी मैं पढ़ूँगा, देखना आगे कैसे। तो यार थोड़ा लाइक मारो यार दोस्तों मेरी वीडियोस को और शेयर कर दो। तो मैं यहाँ पे प्रोन होने लगा क्योंकि मुझे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैं यहाँ पे प्रोन हो गया। अभी सामने से यहाँ पे एक गाड़ी आएगी। तो जब अब मैंने वहाँ पे एक बंदा भी देखा तब मैंने उधर से वहाँ पे एक फायर भी किया क्योंकि वो उस पर फायर कर ऐसे मैंने वहाँ पे फायर किया ही। मुझे वहाँ से सामने से आते हुए दिखा था तो मैंने वो घर के अंदर चला गया क्योंकि वो मेरी तरह कैंप कर रहा था। तो अब उस बंदे को तो मैं मार नहीं सकता था। अगर बाहर निकलता था तो पता नहीं कहाँ से कोई बंदा आके मुझे मार जाता। और यहाँ पे ये आ गई मेरी गाड़ी। अब इस गाड़ी वाली के बाद सारे भाई साहब सीन हो जाएगा इसके साथ बहुत गंदे वाले। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस गाड़ी वाले को मारूंगा तो मैंने नॉर्मली फायर किया। वो भाई साहब उतर भी गए। मैंने गन रीलोड मारी और यहाँ से मैंने ये उसको हेट पड़ा एक, ये दूसरा हेट। और फिर मैं वहीं पे मारने लगा लेकिन मेरे पत्ते पीछे से पड़ने लगी। तो फिर मैं यहाँ पर मेरा गेम इतना लैग हो रहा था और मैं हाई पिंग की वजह से वो भी नहीं कर पाया। मैंने जैसे तैसे मेडकिट लगाई थोड़ी देर बाद और फिर वहाँ से ये मुझे मार दिया। तो भाई साहब ने मुझे इजीली मार दिया। यार वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल।